हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्रेडिट कार्ड के जरिए भी होगा यूपीआई पेमेंट। आरबीआई ने यूजर्स को दी बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, जहां एक तरफ आम जनता पर लोन का बोझ बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी राहत भी दी है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत रुपए क्रेडिट कार्ड से की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यूपीआई के माध्यम से रुपए क्रेडिट कार्ड से भुगतान की अनुमति दे दी है। इसकी घोषणा शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। बता दें कि वर्तमान में यूपीआई यूजर्स डेबिट कार्ड के माध्यम से सेविंग्स या करंट अकाउंट को जोड़कर लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। दास ने कहा कि नई व्यवस्था से ग्राहकों को यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने में अधिक अवसर और सुविधा मिलने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान में 26 करोड़ से अधिक यूजर्स और 5 करोड़ कारोबारी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं। अकेले मई 2022 में यूपीआई के माध्यम से 10.40 लाख करोड़ रुपए के 594.63 करोड़ लेन देन किए गए थे। दास ने ये भी कहा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी या कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महामारी की वजह से उपलब्ध कराई गई अत्यधिक नकदी को कई साल के समय में सामान्य स्तर पर लाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक जरूरतों के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों की तरह घरों तक अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी सुविधाएं देने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।